नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जवान कितना कलेक्शन कर सकती है। जवान के अनबिलीवेबल क्रेज को देखने के बाद एलविश यादव भी बोल पड़े और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर है। और जिस तरीके से जवान का जो प्रीव्यू रिलीज किया गया था उसको देखने के बाद यहाँ पे जो है वो मुझे लग रहा है कि पठान से ज्यादा जवान कमाई कर सकती है, क्योंकि विजय सेतुपति सर के साथ यहाँ पे शाहरुख खान को लिया है और इन दोनों की जो भाई साहब टक्कर होगी वो देखने लायक होगी। साथ में यहाँ पे नयनतारा भी काफी ज्यादा जो है वो आउटस्टैंडिंग लग रही है, काफी ज्यादा सॉन्ग भी यहाँ पे वायरल हो रहे हैं, हर कोई यहाँ पे जो है वो रील्स बना रहा है। और जिस तरीके से शाहरुख खान के 3 गेटअप हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पे उसके अंदर आला क्वालिटी के VFX CGI के साथ मार धार वाला जो सीन है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई साहब इसके अंदर काफी है। तो यही रीजन है कि जो पठान से ज्यादा जवान है उसका क्रेज इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो कमाई है वो भी पठान से कहीं गुना ज्यादा हो रही है। साउथ के अंदर भी ये मूवी जो है वो 150 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है, ऐसा यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिटिक्स है उनका मानना है। उसी के साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये मूवी जो है वो पूरे इंडिया के अंदर 11,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है वो यश राज प्रोडक्शन के द्वारा इस मूवी को जो है वो हाई स्केल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और यकीन से काफी ज्यादा खुशी होती है कि भाई साहब शाहरुख खान की मूवी इंडिया के अंदर इस तरीके का तहलका मचा देती है। और यहां पे इंडिया से बाहर भी शाहरुख खान के चाहने वाले काफी ज्यादा है और इस वजह से शाहरुख खान जो है वो ओवरसीज में जितना बिजनेस करते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है वो कोई भी मूवी जो है वो बिजनेस नहीं कर पाती। और यहां पे ये जो है वो पूरी इंडिया का फायदा है। बाकी एलविश यादव का ओपिनियन सुनने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, आप कितना वेट कर रहे हैं जवान का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिएक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत, हरे कृष्णा।